ये जानते हैं कि रेकी से हम आत्महत्या करने वाले की जो भावना है लोगों की, वो कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं? आजकल बहुत न्यूज़ आ रही है, जगह जगह खबरें आ रही हैं कि उसने आत्महत्या कर ली। इतनी ज़्यादा यंग बच्चे भी आत्महत्या करने का उपाय ढूंढते हैं, मतलब इतने सेंसिटिव लोग हो गए हैं कि कोई किसी को कुछ कह दे, खिल्ली उड़ा दे या किसी की बेइज्जती कर दे तो सीधा वो आत्महत्या का सबसे बढ़िया उपाय सोचते हैं। या बड़े लोगों में अगर किसी को व्यापार में लॉस हो गया है, किसी की नौकरी छूट गई है, या घर में कोई बहुत दिक्कत हो रही है, ज़्यादा झगड़ा हो गया है, या किसी से रिलेशनशिप जो है टूट गई है, तो सीधा वो सबसे अच्छा तरीका ढूंढते हैं कि बस आत्महत्या कर लो और अपने आप को ख़त्म कर लो और सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसा नहीं होता है। अगर एक आदमी में घर के परिवार में से एक आदमी कोई आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है, तो घर के परिवार वाले सारे लोग जीते जीत मर जाते हैं। जिंदगी भर वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते, जिंदगी भर उसके गम में ही डूबे रहते हैं और बहुत ऐसे परिवार ऐसे नष्ट हो जाते हैं। तो खैर जो भी है, मैं आपको ये उपाय बता रही हूँ कि इसका भी रेकी में बहुत अच्छा उपाय है। अगर किसी ने भी करुणा रेकी का कोर्स किया है, उसमें एक सिंबल है हर्थ, तो हर्थ को डालने से ये जो सुसाइडल टेंडेंसी है ये पूरी पूरी निकल जाती है। इसमें सबसे पहले तो आपको आगे चक्र के ऊपर हाथ डालना पड़ेगा, एक हाथ आगे यहाँ पर माथे पर, एक दूसरा हाथ पीछे रख करके, क्योंकि आगे और पीछे रख करके पूरी तरह से आप थर्ड आई चक्र को आप कवर कर रहे हो। तो 5 से 10 मिनट तक रेकी दे करके, और हथेली में मैंने बताया हुआ है आपको कि किसी को भी कैसे हीलिंग करनी है तो कौन से सिंबल कैसे डालना है, यानी कि हथेली के ऊपर ये जो गणना रेकी का हर सिंबल है उस पर डाल करके, दोनों हथेली में डालना पड़ेगा आपको, डाल करके एक हाथ सामने रखो इसमें थर्ड आई चक्र पर और दूसरा हाथ पीछे रखो ताकि पूरा कवर हो जाए थर्ड आई चक्र। और इसमें 5 से 10 मिनट तक रोज़ 3 बार कम से कम रेकी दो उसको। जो सामने नहीं है, नहीं रेकी करवाना चाहता है, तो बिना बताए उसको उसके डिस्टेंस रेकी से उसको ये दो, हीलिंग करो उसकी, ताकि वो पूरा का पूरा उसका टेंडेंसी निकल जाए, उसके जो दिमाग में भाव है बार बार जो परेशानी आ रही है वो निकल जाए, डीप डिप्रेशन जो है वो निकल जाए उसका। डीप डिप्रेशन में भी लोग सुसाइड करते हैं, तो वो बीमारी भी ठीक हो जाएगी। दूसरी बात, उस पर हार्ट चक्र पर रखो, एक हाथ हार्ट चक्र पर रखो, दूसरा हाथ पीछे हार्ट के ठीक पीछे रखो, तो उससे और उसी तरह से हार्ट सिंबल बना करके उसको 5 से 10 मिनट रोज 3 बार उसको रेकी दो। फिर तीसरी जगह है जो भावना से जुड़ी हुई है, वो है हमारा नाभि के ऊपर वाला मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र। इसी तरह से एक हाथ उस पर रखो आगे और एक हाथ पीछे रख करके उसको रेकी दो। और ये जो भावना है पूरी की पूरी, क्योंकि विचारों से जुड़ी, ये तीनों चक्र विचारों से जुड़े हुए हैं, अगर ये ब्लॉक हो जाते हैं, कोई भी चक्र इसमें से एक ब्लॉक होता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे उसमें चक्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो तीनों चक्रों को अगर आप हीलिंग दोगे तो वो विचार जो है, वो जो इमोशंस हैं वो वाले, जो वो पूरे क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि ये चक्र क्लियर हो जाते हैं। इसमें ऑब्स्टेकल जो है, इसमें जो ब्लॉकेज है वो निकल जाती है, उससे जो है वो बिल्कुल क्लियर, उसके मतलब दिमाग में ये भाव आते ही नहीं है कि मुझे आत्महत्या करनी चाहिए, उसका जो है मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका उसमें कॉन्फिडेंस आने लगता है और वो अपने आप को संभाल लेता है, उसमें हिम्मत आती है और वो हर चीज़ का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाता है।